हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में करोड़ों रुपयों की सौगात दी, साथ ही पानीपत के लिए कई बड़े ऐलान भी किए। पानीपत के डाहर गांव में सीएम मनोहर लाल को अब तक की सबसे बड़ी सौगात देने के लिए पहुंचे थे। डाहर गांव के मंच को सीएम मनोहर लाल के स्वागत के लिए पूरी तरह से सजाया गया था, तो डाहर गांव के मैदान में हजारों की संख्या में भीड़ भी जमा थी। सीएम मनोहर लाल ने डाहर गांव पहुंचते ही पहले तो नई शुगर मिल का उद्घाटन किया और फिर एक एक कर 1768 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों का ऐलान किया। ऐसे यहां कोई कठिनाई किसान को नहीं आएगी, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है, इस इलाके में लगभग 50 लाख क्विंटल गन्ना होता है पानीपत के इलाके में, लेकिन इसकी कैपेसिटी आवश्यकता पड़ने पर हम 75 लाख क्विंटल भी ये चला सकते हैं। इसलिए जो आज तक हम लोगों को अपना गन्ना उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में कई बार भेजना पड़ता था, और ये बात ठीक है कि वहां कई बार तो पेमेंट भी हमारी समय पर मिलती नहीं थी। अभी पानीपत जिले की, सोनीपत जिले के कुछ किसानों की गन्ने की पेमेंट उत्तराखंड में रुकी हुई है। मैंने स्वयं वहां के मुख्यमंत्री और वहां का जो गन्ना मंत्री है श्री सौरभ बहुगुणा, उनसे स्वयं मैंने बात की थी। मैंने कहा मैंने दो जिलों के किसानों का गन्ना आपके यहाँ एक मिल में, इकबालपुर की मिल में डाल के आए थे, आज 3 साल से ऊपर समय हो गया, ये ठीक नहीं है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने किसानों को लेकर भी कुछ अहम ऐलान किए। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि नई शुगर मिल का किसानों के लिए क्या महत्व है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने वाटर रेन्यूबल प्रोजेक्ट के लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जबकि बाकी 968 करोड़ रुपए अन्य विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। इनमें सबसे ज्यादा बजट पानीपत ग्रामीण और शहरी विधानसभा को दिया गया। इसके अलावा इसराना विधानसभा की भी खासी डिमांड पूरी की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री सहित सभी ने पौधारोपण भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रैली के दौरान परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत लाभ पाने वाले लाभार्थियों को पीले राशन कार्ड, पेंशन कार्ड और अंत्योदय परिवार उत्थान मेले के तहत लोन मिलन वाले लाभार्थियों को भी आधिकारिक कागज सौंपे हैं। सीएम ने जिले के 43 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा की है। कुल मिलाकर सीएम मनोहर लाल ने पानीपत जिले के लिए दिल खोलकर पानीपत को सौगातें दी। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने खिलाड़ियों के लिए भी ऐलान किया है। नीरज चोपड़ा के गांव खंडरा में 10 करोड़ की लागत से खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। बता दें सीएम मनोहर लाल के सामने पानीपत में विधायकों एवं सांसदों ने 250 मांगे रखी थी, जिनमें से मुख्यमंत्री ने अधिकतर मांगों को स्वीकार करते हुए पानीपत के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। लेकिन इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर भी प्रहार किया।